हेलो एवरीवन, मैं हूं रवीना और आप सबका बहुत वेलकम है माय हॉबीज़ वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स, रवीना के हॉबीज़ वर्ल्ड में आज की जो वीडियो है वो बहुत ही छोटे, सिंपल बट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में पायदान के फंदों को सलाई में से उतारते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हीं बातों को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, ये जो डोरमेट है इसे मैंने कम्प्लीट कर लिया है। इस डोरमेट को कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अब यहाँ पर देखिए, मुझे बस इसके फंदों को उतारना है। तो हम कैसे उतारेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जितनी भी कलियाँ बनी है, दो दो कलियों के बीच में यहाँ पर एक येलो कलर की लाइन बनी है, जिससे इन दोनों के बीच एक पार्टीशन हुआ है। यहाँ पर देखिए, तो ये जो लाइन बनती कैसे है, यहाँ से देखिए, इसकी स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं बॉर्डर से, और यहाँ पर सेंटर की तरफ आते हैं, फिर सेंटर से हम बॉर्डर की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से ये येलो कलर की एक लाइन बनती है। तो इसी तरह से इस डोरमेट की देखिए सारी ये येलो कलर की लाइनें बनी हुई है। तो अब देखिए, ये जो मेरी आखिरी कली है वो बन चुकी है, और यहाँ पर ये जो येलो कलर के मैंने फंदे, ये जो डिज़ाइन है यहाँ पर येलो से बुन लिए हैं, और यहाँ पर जो पिंक कलर के फंदे थे उन्हें भी मैंने यहाँ पर येलो से बदल लिए हैं। अब इसके बाद देखिए, ये जो लाइन बनेगी कैसे, एक तो रो हमने बना ली है, अब यहाँ से जब हम बुनते हुए बॉर्डर की तरफ जाएंगे तब ये पूरी रो कम्प्लीट होती है। तो ये हम तब करते हैं जब हमें अगली कली बनानी होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस डोरमेट की सारी कलियाँ बन चुकी है, अब हमें आगे की कली नहीं बनानी है। तो यहाँ पर हमारी एक रो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर मैं यहाँ से बुनते हुए बॉर्डर की तरफ जाऊँगी तो एक रो तो बन जाएगी, और उसके बाद फिर मुझे सलाई में से इन फंदों को उतारना है, तो येलो कलर की एक और रो हो जाएगी, तो यहाँ पर डबल रो बन जाएगी, तो जो डोरमेट की डिज़ाइन का लुक है वो अच्छा नहीं आएगा। तो इसी के लिए नॉर्मली जब हम फंदों को उतारते हैं तो बॉर्डर की तरफ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब डबल रो ना हो, इसी के लिए मैं यहाँ पर सेंटर के पॉइंट से ही फंदों को उतार रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये जो फंदे हैं इनको मैं कैसे उतारूँगी, ये जो दो फंदे हैं तरीका वही है, बस हम बॉर्डर की जगह सेंटर से उतार रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो दो फंदे हैं इनको मैं एक साथ से सलाई में लूँगी, और यहाँ पर इन दोनों को एक साथ बुन लूँगी, और उसके बाद ये जो बुना हुआ फंदा है उसे मैं वापस से सलाई में चढ़ा लूँगी, और फिर से इन दो फंदों को बुनूँगी, और उसके बाद फिर से ये जो बुना हुआ फंदा है इसमें चढ़ा दूँगी, फिर ये बुना हुआ फंदा और उसके आगे का एक फंदा, इन दो फंदों को लेंगे और फिर से यहाँ पर बुन लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमारे ये जो फंदे हैं सलाई के, वो एक एक करके उतरते जा रहे हैं। देखिए, हर बार हमें इसी तरह से दो दो फंदों को ही लेना है, बुने हुए फंदे को और उसके बाद उसके आगे वाले फंदे को। तो इस तरह से ये जो हमारे फंदे हैं वो सलाई में से उतरते जाएंगे, और यहाँ पर जो छोटी वाली डिज़ाइन हमारी बॉर्डर पे बनती है, बस वही डिज़ाइन यहाँ पर इसके सिरे पर बनेगी। ये देखिए, यहाँ पर ये छोटी वाली डिज़ाइन यहाँ पर बन रही है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इतने फंदों को उतार लिया है, सभी फंदों को मैं उतार लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी फंदों को उतार लिया है, और ये जो आखिर के दो फंदे हैं यही रह गए हैं। अब इसे देखिए, इसे भी हम इसी तरह से उतार लेंगे, और यहाँ पर ये जो आखिरी फंदा है यहाँ पर हमें एक नॉट लगा लेनी है, ताकि हमारी जो बुनाई है वो खुले नहीं। तो देखिए, इस तरह से ये हमारा ये जो सिरा है वो यहाँ पर बन गया है। अब इसके बाद देखिए, जब हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ इस तरह से सिलेंगे, तो ये देखिए, जिस तरह से यहाँ पर एक एक रो बनी है, बस उसी तरह से यहाँ पर भी जो ये रो बनी है वो एक ही रो बनी है, यहाँ पर डबल रो नहीं बनी है। देखिए, जब हम इसे सिल देंगे तो ये प्रॉपर दिखाई देगा। तो देखिए, इसकी सिलाई कैसे करते हैं, इसकी भी वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। इसे मैं देखिए सेफ्टी पिन की हेल्प से इसी धागे से सिलती हूँ। आप चाहे तो सुई धागे या फिर जिस भी तरह से आप अटैच करते हैं दोनों सिरों को, उस तरह से सिल सकते हैं। तो लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इन दोनों सिरों को सिलना स्टार्ट करें तो बॉर्डर की तरफ से करें, क्योंकि जो बॉर्डर की फिनिशिंग है वो सही होनी चाहिए। ये देखिए, ये ऊपर नीचे है, तो इसे देखिए हम इस तरह से इन दोनों को, यहाँ पर देखिए मैं इसे नॉट लगा देती हूँ। देखिए, इसके बाद हम इसे बैक साइड से सिलेंगे। तो देखिए, ये जो सिरा है ये देखिए थोड़ा लंबा दिखाई दे रहा है और ये छोटा दिखाई दे रहा है, तो जब हम इन दोनों को सिलेंगे तो इसको थोड़ा सा हम खींचते हुए बराबर करते हुए सिलेंगे, तो ये जो हमारी दोनों सिरे हैं वो एक दूसरे के साथ बराबर में अटैच हो जाएंगे, और उसके बाद हम सेंटर होल को थोड़ा सा इस तरह से खींच देंगे तो वो सही हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों सिरों को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद ये जो धागा है इसे हमें कट नहीं करना है। ये देखिए, ये जो सेंटर में होल है, इस होल को हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो देखिए,
ये जो येलो वाली जितनी भी रो है इनको हम एक दूसरे के साथ सिलेंगे। तो ये देखिए इसके सामने ये वाली रो है, तो हम इसके अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे धागे को और इसे थोड़ा सा खींच लेंगे। अब इसके बाद इस तरह से यहाँ पर लेंगे और इसके सामने वाले में से इस तरह से पिन को डालेंगे। ये देखिए इस तरह से ये जो हमारा सेंटर होल है वो फिलअप हो गया है। अब इसे देखिए हम बैक साइड से इस तरह से एक नॉट लगा देंगे। अब इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा वाला है इसे हम कट कर देंगे और ये जो इतना धागा निकला हुआ है इसे हम पिन की हेल्प से फंदों में फंसा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा डोरमेट है ये बनके रेडी हो गया है और इसकी देखिए सारी कलियाँ एक बराबर दिखाई दे रही है और जो सेंटर होल है वो भी हमने फिलअप कर दिया है और यहाँ पर ये जो हमने फंदों को उतार के और यहाँ पर ये जो रो बनाई है वो भी कंप्लीट हो गई है। सो गाइस, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।